वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अब हम बना रहे हैं सेकंड अपनी रेसिपी। चिकन वेजिटेबल हम बनाएंगे और उसमें हमने चिकन जो है बोनलेस यूज़ करनी है। अच्छा, आलू जो है वो मैं इसमें कट कर रहा हूँ और इस तरह से क्यूब में हम कट कर लेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैंने पहले इसके स्लाइस काट लिए और उसके बाद ये हमने क्यूब्स कर लिए। अच्छा, आज की ये जो हमारी कुकिंग है, आज हम ये करेंगे एयर फ्रायर में, ठीक है। हेल्दी भी है और इसमें बग़ैर ऑयल के आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। और लेकिन बहुत सारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी शक्ल और सूरत बिल्कुल वैसी आएगी जैसे हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, तो देखें उसमें वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ऑयल में एक चीज़ डिप होके फ्राई हो रही है, उसका टेक्सचर, उसकी कलर, उसका शक्ल बिल्कुल अलग आएगी। और एक जो एयर फ्रायर है उसमें बिल्कुल ऑयल यूज़ ही नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन चीज़ आपकी क्रिस्पी भी हो रही है, फ्राई भी बेस्ट हो रही है, तो उस लेकिन सिर्फ अपीयरेंस में फ़र्क आता है, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ साथ साथ मैं इसको पैन में डाल रहा हूँ ताकि हमें मिक्सिंग करनी होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, ठीक है, और उसके साथ ही चिकन। अच्छा, चिकन मैंने आपको बताया बोनलेस हमने ली है, और बोनलेस चिकन अगर बोनलेस नहीं है तो आप विद बोन भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो चिकन बोनलेस में ही रहेगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ ब्लैक पेपर चिकन जो है हम तैयार करेंगे। और ब्लैक पेपर चिकन के लिए वेजिटेबल में हमने शिमला मिर्च अब ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद इसको भी हमने उसी तरह क्यूब्स में कट कर लेना है। नॉर्मल छोटे छोटे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको झटपट से तैयार करेंगे और ये बहुत मज़ेदार लगती है, लाइक सुबह ब्रेकफास्ट में नाश्ते में पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, या लंच में अगर आप बना रहे हैं तो आप चपाती के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई राइस आपने बनाया है तो उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और अब बारी है कैरेट की जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसाना जैदी, कहाँ हैं आप? बस यहीं पर हैं, और माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है आपका, और आप हमेशा कुछ ना कुछ एक नई चीज़ लेकर आते हैं, जैसे एयर फ्रायर, ये तो बिल्कुल यूनिक चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है। और जाहिर है फ्रायर से इंसान के जहन में तो वही आता है ना, जैसे ऑयल वगैरह में जी, लेकिन ये बहुत हेल्दी चीज़ है, क्योंकि अमूमन लोग जो यानी हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, या फिर ये कि वो जो अपने आप को मोटापा कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि टेस्ट भी है जी। और जाहिर है कि बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल। तो बहुत मतलब आप हमेशा कोई ना कोई ऐसे इक्विपमेंट लेकर आते हैं जो कि लोगों की ज़रूरत की चीज़ होती है। बिल्कुल, बस कोशिश यही होती है। और ये हमारे पास जो है एनएक्स ने हमें सेंड किया हुआ है, एनएक्स कंपनी का बेस्ट है, और एनएक्स किचन के नाम से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं एनएक्स की जो मैंने की हुई हैं, और उसमें एनएक्स की हर प्रोडक्ट है, तो वो भी ज़रूर आप लोग देखिएगा। और क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? दूसरी ये करेले की कोई डिश बनाइए। किस चीज़ की? करेला। करेले, ठीक है जी, बिल्कुल सिखा देते हैं आपको करेला का, करेले की रेसिपी मैंने वैसे तो काफ़ी बनाई है, लेकिन इंशाल्लाह। कीमा भरा करेला, जैसे कीमा भरा करेला होता है ना, कीमा भरा करेला भी चलें, ठीक है, उससे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना, और कीमा भरा करेला जो है वो मैंने नहीं बनाया है, बना देंगे। बेसन भरा करेला गालिबन पता नहीं मैंने यहाँ बनाया है कि नहीं,
एक रेसिपी है बेसन भरे करेले, बहुत मज़ेदार बनते हैं और मुझे तो खैर बहुत पसंद है, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो भी आपको सिखाऊंगा। और करेले गोश्त है, करेले चने की दाल है, खट्टे करेले हैं और बहुत तरह के करेले हैं। चले जी, ये भी हमने साथ साथ बातों बातों में वेजिटेबल्स हमारी सारी कट गई हैं और अब बारी है चिकन की। चिकन को भी हमने उसी तरह क्यूब्स में कट कर लेना है, ठीक है। तकरीबन 1 इंच के पीसेस आपको चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़े आपने नहीं करने। जितने आपने वेजिटेबल का साइज़ रखा है उतना ही आपने चिकन का साइज़ रखना है। और कॉलर से कार्ड स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए कि ब्लैक पेपर चिकन के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वेजिटेबल्स आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप इसमें मशरूम्स डाल सकते हैं, ठीक है, अब आपकी चॉइस है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप डालें, ठीक है। चलिए हमने डन किया है सारी की सारी, चिकन को हमने कर लिया रेडी। और पुडिंग की खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और उसको भी ज़रा सा हम चेक कर लेंगे कि कहाँ तक पहुँची। चलिए जी, यहाँ पर चिकन भी चली गई है, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल, इसमें हमें डालना है सोया सॉस, ठीक है, सोया सॉस के साथ सिरका, सिरके के साथ हम डालेंगे जनाब ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट ना थोड़ा नॉर्मल डालेंगे क्योंकि हमें चिकन पाउडर डालना है, और उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है, ब्राउन शुगर, ठीक है, शक्कर, और उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर SAC का, ये हम डालते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका हम खोल दें। मेरे पास सीज़र इस वक्त नहीं है, अच्छा इसमें ज़िप बैग है, आपकी आसानी के लिए ज़िपर बैग है कि आप ताकि इसको दोबारा से बंद भी कर सके रख सकते हैं, ठीक है, तो ये इजी रहता है आप लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए। चल, ये हमने चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर दिया, SAC का चिकन पाउडर, ठीक है, जब इस्तेमाल कर लें तो इसको ऊपर से सील कर लें। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, और अब इन सारी चीज़ों के बाद इसको हमने मिक्स करना है। अच्छे से आपने मिक्स करना है क्लासिक के पैन में, सारी वेजिटेबल, चिकन, सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, ब्राउन शुगर और सारी चीज़ें डाल के बस अब हमने इसको पकने रखना है। चलिए, यहाँ पर एयर फ्रायर की बकेट हम ले लेंगे, और उसके बाद ठीक है, ये हमारे पास बकेट है, इसमें हम अपने एयर फ्रायर में लगा के और तमाम वेजिटेबल्स डाल देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारे पास इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा।
अच्छा ये देखिए, इस तरह से आपने लगा दिया और इसमें कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, सिंपल हमने चीज़ों को मैरिनेट किया लगाया। और अब इसको मैं बंद करूँगा। अच्छा जी, अब इसमें दो नॉब्स हैं, इसमें एक है टेम्परेचर की, टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ इसको तकरीबन 180 के करीब, और ये टाइम है, टाइम मैं दे रहा हूँ इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने दिए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 12 मिनट तक ये इसको डन हो जाना चाहिए। और ये हमारे पास चले गए हैं, एयर फ्रायर में सारी चीज़ें पक रही हैं। और साथ साथ अब ज़रा पुडिंग को भी देख लेते हैं। वाओ, देखें बेहतरीन पुडिंग, ऊपर कलर आना शुरू हो गया है और पुडिंग हमारी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। कैमरा आपको दिखाएगा, ये देखें। तो चलिए जी, हम क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह पुडिंग हमारी तैयार होगी, उसको हम डिश आउट निकाल लेंगे, और उसके बाद जो हमारी ब्लैक पेपर चिकन वेजिटेबल्स हैं इसको भी तकरीबन 12 मिनट के बाद हम निकालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपको रिकैप देंगे, इसको डिश आउट करके दिखाएंगे, आपके कुछ मैसेजेस पढ़ेंगे, ये सब काम होगा लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और पुडिंग हमने अवन से निकाल ली है और आप देखें बेहतरीन हमारे पास पुडिंग रेडी हो गई है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, और ऊपर के कलर बड़ा अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम लेकर चलते हैं अपने काउंटर की जानेब, यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद ये हमारी रेमिकेंस। ठीक है जी, चलिए ये हो गया और अब हमारी जो वेजिटेबल है वो रेडी हो रही है। अच्छा ये बस, आपने जब इसको ओवन से निकालना है तो बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि काफ़ी पानी भी है और गर्म भी है, तो इसलिए आपने काफ़ी एहतियात करनी है। और रेसिपी कार्ड जो है स्क्रीन पर चल रहा है जलेबी पुडिंग का। हमने इसके लिए, इस पुडिंग के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ले ली जलेबी, उसके छोटे छोटे से पीस कर लिए। पीस करने के बाद तकरीबन जो है एक पाव के करीब मैंने जलेबी ली थी और आधा लीटर, आधा किलो हमने दूध लिया, उसमें जलेबी को शामिल किया। SAC का वनीला एसेंस हमने इसमें शामिल किया, जो कि मैं यहाँ रख देता हूँ, चल यहाँ रख देता। अच्छा, वनीला एसेंस हमने डाल दिया, वनीला एसेंस के साथ ही हमने खूब अच्छे से उसको मिक्स किया। इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स कर लें या किसी भी स्पून से आप उसको मिक्स कर लें, या जो मैशर है उससे भी आप हल्का फुल्का मैश कर सकते हैं। अगर तो आप उसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद वो डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी आराम से। और फिर 6 खाने के चम्मच चीनी ऐड की है, मैंने भी ऐड की है क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे आज मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें ऐड की है, इसलिए मैंने आपको रेसिपी कार्ड में भी लिखवा दिए। बस इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसमें हमने 2 अदद अंडे डाले, खूब अच्छे से उसको फेंटा अंडों के साथ, और उसके बाद हमने इसको रखना है बेक होने के लिए। यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि कैरमल पुडिंग हम जो बनाते हैं या नॉर्मल सादी पुडिंग जो हम बनाते हैं, उसको जब आपने सारी चीज़ों को मिक्स किया, दूध को, अंडों को, चीनी को, वनीला एसेंस को, ठीक है, उसके बाद आपने उसको छानना है, छानना ज़रूरी है। इसको हमने क्यों नहीं छाना, क्योंकि इसमें है ही जलेबी, जलेबी के चंक्स हैं वो हमारे पास आने चाहिए, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी, हो सकता है किसी के माइंड में हो कि शेफ़ ने इसको छाना नहीं है, तो छाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लेन नहीं है, जो प्लेन पुडिंग होती है उसको हम छानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको तकरीबन 200 टेम्परेचर दिया फोटाइल के अवन में, अप एंड डाउन दोनों ग्रिल मैंने फ़ैन के साथ ऑन की, और उसके बाद हमने इसको बेक होने के लिए रख दिया, और तकरीबन ये ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में हमारे पास तैयार होके बाहर आ गई।
ठीक है जी, और ये आपके सामने है और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आप खैरियत से हैं? जी जी खैरियत से। मैं यही कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छी माशाल्लाह से पुडिंग बनाई है आपने, बहुत शुक्रिया। जलेबी अमूमन बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, तो इतनी ईजी आपने रेसिपी बताई कि हम आराम से बना सकते हैं। जरूर, और अच्छी भी है, हेल्दी भी है, और इसको बनाइए जरूर, ट्राई करके हमें बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और गरम है, थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक नज़र हम मारते हैं अपने, ज़बरदस्त हमारे पास तैयार हो रही हैं वेजिटेबल्स और ब्लैक पेपर चिकन वेजिटेबल। एक लुक मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, बेहतरीन से हमारे पास वेजिटेबल्स चिकन तैयार हो रही है, और इसको थोड़ा सा मैं हिला भी दूँ, अप एंड डाउन कर दीजिए। चल, चिकन हमारे पास डन हो गई है, मुझे नज़र आ रही है, ये देख बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन तैयार। वापस रख देंगे, थोड़ा सा और हो जाए, ठीक है। और अब मैं पुडिंग टेस्ट कर रहा हूँ, बेहतरीन मज़ेदार सी पुडिंग तैयार है। अच्छा, अब वेजिटेबल हमारे पास, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं इसको ऐसे डिश आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर पता चल जाए। उसके बाद क्योंकि अभी हमारे पास ये आलू जो हैं वो डन नहीं हुए, चिकन हमारे पास डन है, लेकिन मैं इसकी लुक आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी लुक ये देखिए ऐसी आ जाएगी। चलिए, तो ये हमारे पास ब्लैक पेपर चिकन तैयार है, और सॉरी हम भी तैयार हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात, और कल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला नरगसी कोफ्ते। और फाइनली काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग चल रहा था, और कल इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे नरगसी कोफ्तों की रेसिपी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और पुडिंग हमने अवन से निकाल ली है, और आप देखें बेहतरीन हमारे पास पुडिंग रेडी हो गई है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, और ऊपर के कलर बड़ा अच्छा सा आ गया। अब इसको हम लेके चलते हैं अपने काउंटर की जानेब, यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद ये हमारी रेमिकन्स। ठीक है जी, चलिए ये हो गया, और अब हमारी जो वेजिटेबल है वो रेडी हो रही है। अच्छा, ये
बस आपने जब इसको ओवन से निकालना है तो बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी पानी भी है और गर्म भी है, तो इसलिए आपने काफ़ी एहतियात करनी है। और रेसिपी कार्ड जो है स्क्रीन पर चल रहा है जलेबी पुडिंग का। हमने इसके लिए, इस पुडिंग के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ले ली जलेबी, उसके छोटे छोटे से पीस कर लिए। पीस करने के बाद तकरीबन जो है एक पाव के करीब मैंने जलेबी ली थी, और आधा लीटर, आधा किलो हमने दूध लिया, उसमें जलेबी को शामिल किया। SAC का वनीला एसेंस हमने इसमें शामिल किया, जो कि मैं यहाँ रख देता हूँ, चल यहाँ रख देता हूँ। अच्छा, वनीला एसेंस हमने डाल दिया। वनीला एसेंस के साथ ही हमने खूब अच्छे से उसको मिक्स किया। इलेक्ट्रिक बीटर से मिक्स कर लें, या किसी भी स्पून से आप उसको मिक्स कर लें, या जो मैशर है उससे भी आप हल्का फुल्का मैश कर सकते हैं। अगर तो आप उसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद वो डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी आराम से। और फिर 6 खाने के चम्मच चीनी ऐड की है, मैंने भी ऐड की है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे आज मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें ऐड की है, इसलिए मैंने आपको रेसिपी कार्ड में भी लिखवा दिए। बस इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसमें हमने 2 अदद अंडे डाले, खूब अच्छे से उसको फेंटा अंडों के साथ, और उसके बाद हमने इसको रखना है बेक होने के लिए। यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि कैरमल पुडिंग हम जो बनाते हैं, या नॉर्मल सादी पुडिंग जो हम बनाते हैं, उसको जब आपने सारी चीज़ों को मिक्स किया, दूध को, अंडों को, चीनी को, वनीला एसेंस को, ठीक है, उसके बाद आपने उसको छानना है, छानना ज़रूरी है। इसको हमने क्यों नहीं छाना, क्योंकि इसमें है ही जलेबी, जलेबी के चंक्स हैं वो हमारे पास आने चाहिए, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी, हो सकता है किसी के माइंड में हो कि शेफ़ ने इसको छाना नहीं है, तो छाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लेन नहीं है। जो प्लेन पुडिंग होती है उसको हम छानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको तकरीबन 200 टेम्परेचर दिया फोटाइल के अवन में, अप एंड डाउन दोनों ग्रिल मैंने फ़ैन के साथ ऑन की, और उसके बाद हमने इसको बेक होने के लिए रख दिया। और तकरीबन ये ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में हमारे पास तैयार होके बाहर आ गई, ठीक है जी। और ये आपके सामने है, और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आप खैरियत से हैं? जी जी, खैरियत से। मैं यही कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छी माशाल्लाह से पुडिंग बनाई है आपने, बहुत शुक्रिया। जलेबी अमूमन बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, तो इतनी ईजी आपने रेसिपी बताई है कि हम आराम से बना सकते हैं। जरूर, और अच्छी भी है, हेल्दी भी है, और इसको बनाइए जरूर, ट्राई करके हमें बताइए। थैंक यू, अल्लाह बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक नज़र हम मारते हैं अपने, ज़बरदस्त हमारे पास तैयार हो रही हैं वेजिटेबल्स, और ब्लैक पेपर चिकन वेजिटेबल, एक लुक मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें बेहतरीन से हमारे पास वेजिटेबल्स चिकन तैयार हो रही है, और इसको थोड़ा सा मैं हिला भी दूँ, अप एंड डाउन कर दीजिए, चल चिकन हमारे पास डन हो गई है, मुझे नज़र आ रही है, ये देख बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन तैयार, वापस रख देंगे, थोड़ा सा और हो जाए, ठीक है। और अब मैं पुडिंग टेस्ट कर रहा हूँ, बेहतरीन मज़ेदार सी पुडिंग तैयार है। अच्छा, अब वेजिटेबल हमारे पास, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मैं इसको ऐसे डिश आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर पता चल जाए। उसके बाद क्योंकि अभी हमारे पास ये आलू जो हैं वो डन नहीं हुए, चिकन हमारे पास डन है, लेकिन मैं इसकी लुक आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी लुक ये देखिए ऐसी आ जाएगी। चलिए, तो ये हमारे पास ब्लैक पेपर चिकन तैयार है, और सॉरी हम भी तैयार हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात, और कल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला नरगसी कोफ्ते।
और फाइनली काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग चल रहा था और कल इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे नरगसी कोफ्तों की रेसिपी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।